कई साल पुरानी बात है, जब मैं अकेले बैठ के घर में बोर हो रहा था तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कॉल किया और कहा कि हम लोग हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, क्या आप आना चाहोगे? मैंने कहा श्योर, हम आना चाहेंगे। उसने बताया कि जगह ऐसी है, जंगल, जंगल के बीच में एक झरना है, वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पर हम रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ लगी रहती है, तो हम लोग वहाँ पर हाइकिंग कर सकते हैं। हम इतने बड़े हो चुके थे कि हमारे पेरेंट्स ने उस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया था। हम लोग कार से जा रहे थे, जंगल के अंदर जाते ही हमें एक हाईवे भी दिखाई देता है। हम उस हाईवे से सही सलामत उस रेस्टोरेंट और उस झील के पास पहुंच जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था, ज़्यादा लोग नहीं थे पर दो चार लोग जरूर थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये कहाँ ले आए हो, कहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं है, रात ज़्यादा हो चुकी है, चलो अब रेस्टोरेंट में एक रूम बाय करते हैं और उसके अंदर सोते हैं, कल सुबह होते ही हम लोग हाइकिंग करना शुरू कर देंगे। हमने रेंट पे रूम ले लिया। कुछ देर हम लोग झील के पास टाइम पास कर रहे थे तभी मुझे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी मैं ये देखता हूँ कि किसी की गर्दन, जैसे किसी इंसान की गर्दन तैर रही हो। मैं अपने दोस्त से ये कहा कि वहाँ पर देखो क्या चीज़ है। रात ज़्यादा थी, चांदनी रात हो रही थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है पर मैं इतना श्योर हूँ कि वो चीज़ लकड़ी की टुकड़ा है। दूसरा दोस्त मुझसे ये कहता है कि कोई चिड़िया होगी जो वहाँ पर बैठने के लिए आई होगी। हम लोग दो घंटे तक वहीं पे बैठे हुए थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, अभी भी वो चीज़ वहीं पर थी। मन ही मन में मैं ये सोच रहा था कि कोई लकड़ी का टुकड़ा या फिर वो कोई चिड़िया नहीं है जो इतनी देर तक पानी में होगी, शायद कुछ और है। तभी मैनेजर हमारे पास आकर ये कहता है कि होटल में ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए आप लोग आज रात इस होटल में सो लीजिए, हम आपको दो कमरा अलाउ कर देंगे। और मैं इस होटल में नहीं रहूँगा, मैं होटल को बाहर से लॉक करके चले जाऊँगा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप हाँ कहें। हम लोग कहते श्योर, आप जा सकते हैं। वो हमें होटल के अंदर बाहर से लॉक करके चला जाता है। हम लोग उस होटल के अंदर रूम में बैठे हुए थे, काफ़ी टाइम हो गया, अब सोने का समय आ चुका था, हम लोग सो रहे थे। जैसी मेरी आंख लगी थी तुरंत चिल्लाने की आवाज़ आती है, मैं बगल वाले रूम में भाग के जाता हूँ। तभी मैं ये देखता हूँ कि एक दोस्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, कोने में बैठकर उसका पूरा शरीर कांप रहा है। तभी मेरी नज़र पंखे पे पड़ती है, मेरा एक और दोस्त जो कि हमारे साथ आया हुआ था, वो उसकी गर्दन पंखे से फंसी हुई है, जैसे कि किसी ने उसे ज़बरदस्ती फांसी पे लटकाया हो। मैनेजर तो वहाँ से जा चुका था, हम लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे दोस्त और मैं बैठकर बस बातें कर रहे थे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हम तीन जने बचे थे, क्योंकि हम चार लोग आए थे पर एक को खो दिया। तभी उनमें से एक ये बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम आ रही है। वो वॉशरूम जाता है, काफ़ी टाइम हो गया वो वापस नहीं आया। तभी हमने देखा वॉशरूम की तरफ कि किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, हम लोग दौड़ के गए। हमने देखा कि वॉशरूम की खिड़की से हमारा दोस्त लटका हुआ है। जब तक हम जाते काफ़ी देर हो चुकी थी, वो फोर्थ फ्लोर से नीचे की तरफ गिर गया और उसकी जान चली गई। अब हम होटल में सिर्फ दो जने बचे हुए थे। हमें लग रहा था कि उस होटल में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमारे लोगों की जान ले रही है या फिर हमें परेशान कर रही है। अब वो भी नहीं रहा, अब बचे थे हम दो। मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, जितने भी चादर रखे हुए हैं फ्लैट में सारी चादर उठा के लेके आओ और उसको हम एक जोड़ के मजबूत रस्सी बनाएंगे और यहाँ से कूद जाएंगे और भाग के अपने घर वापिस चले जाएंगे। ये प्लानिंग करने के बाद हमने एक बड़ा सा रस्सी बनाया, वो रस्सी कम पड़ रही थी, तब हम सेकंड फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे हम लोग खिड़की से मजबूती से उस रस्सी को बांध देते हैं। पहले मैं उतरता हूँ, फिर मेरा दोस्त। मेरे दोस्त जैसे ही वो उतरता है वैसे ही वो रस्सी टूट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। मैं कार उठाकर वहाँ से भागने लग जाता हूँ। मैं ना आगे देखता हूँ ना पीछे, मैं बहुत ही अंधाधुंध कार को चलाने लग जाता हूँ। तभी आगे जाते जाते मुझे रास्ते पे वही चीज़ जो पानी के अंदर तैर रही थी दिखाई दी। इस बार उसका हुलिया देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, मेरा गाड़ी से कंट्रोल खो गया और मेरी एक्सीडेंट हो गई। मैं बेहोश हो चुका था। अगले दिन मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मेरे आसपास पुलिस खड़ी है और मेरे मॉम डैड। मेरे मॉम डैड मुझसे पूछते हैं कि तुम गए वहाँ पर क्या क्या हुआ। पुलिस मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछताछ भी करती है। मेरे साथ जो जो हुआ मैंने सब बताया। आई नो वो क्या चीज़ थी, वो क्या करना चाहती थी, पर उस रात मैंने अपने तीन बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। पुलिस होटल के मैनेजर को पकड़ के लाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ में ये पता चलता है कि कई साल पहले इस होटल पे एक लड़की आई हुई थी। वो लड़की ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेती थी, वो नशे में रहती थी।
वो एक दिन वो होटल की छत पे चली गई थी और वहां से कूद के अपनी जान दे दी थी। हमारा होटल बंद ना हो जाए इसलिए हमने उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। इसके कारण लोगों का कहना है कि वो लोग कई बार ऐसी चीज देखते हैं जिनकी वो सोचते भी नहीं है, जिसकी वो लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं।